सब मेंशन करना एंड ऑल ये देख सकते हो पूरा भी एड करके ये हो गया शेड्यूल हो गया तो ठीक है यार अभी चलते हैं नीचे है ना खाते पीते हैं खाया कुछ नहीं है खाया भाई साहब यार पूरा बना हुआ है मेरे को नहाना है बहुत गर्मी लग रहा है ओके और किसी ना किसी गाड़ी सीरियसली मैं काफ़ी अजीब सा मौसम और अभी जाके धूप निकला है तो नहा लेता हूँ कपड़े सूख जाएंगे अदरवाइज फिर वही कपड़ों का टेंशन सूखते नहीं है तो चलो भाई नहाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे जाता है ये रोड ऊपर आई डोंट नो यार और ये हालात धीरे धीरे चेंज हो जाएगा का पता नहीं सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज द एसी नैप ब्लॉगिंग कैसे हो भाई साहब आप लोग और अभी मैं सिस्टम पे बैठा हूँ जस्ट थोड़ा लेट हो गया 11:34 हो गया और मैं अभी ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ करके तो इस चक्कर में थोड़ा लेट तो हो ही जाता है यार तो अभी मैं पूरा अपना लगा पड़ा हूँ अपलोड करने में बहुत झंझट है भैया बहुत झंझट है सब मेंशन करना एंड ऑल ये देख सकते हो पूरा भी एडिट कर रहा हूँ फुल बैठ के थंबनेल वगैरह सब डालना है बहुत सारा पंगा है सब बना के रखते हैं बस अपलोड करने का भी टाइम होता है भाई तो ये देख रहे हो अपना पूरा अपलोडिंग का प्रोसेस आज का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 12 बजे करके वो करना है तो करके जल्दी जल्दी करके वैसे हो जाता पहले ही मैं फ़ोन पे बात करने लग गया था इसलिए बस पंगा पड़ गया थोड़ा यार क्या करें ये चेक करेगा ये डाल दिया शेड्यूल कर देते हैं 12 बजे करके ये हो गया शेड्यूल हो गया तो भाई ये देखो अपना ब्लॉग हो गया अपलोड होने लगा मतलब अपलोड ये क्या करें यार बहुत टेंशन है ये अपलोडिंग करना अभी ना यार सर का दर्द है मेरे सच्ची बता रहा हूँ भाई सर का दर्द मतलब सुबह सुबह अगर भूल रहा हूँ ना तो फिर वही पंगा पड़ जाता है इसलिए अपलोड करना भी जल्दी जरूरी एकदम टाइमली अपलोड करना यार भाई यार बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं यार व्यूज़ तो बढ़ाओ यार आप लोग व्यूज़ बहुत कम है और शेयर करो यार जितना हो सके शेयर करो ओह माय गॉड दैट्स नाइस इस पर अच्छा खासा व्यूज़ है चलो गुड भाई बहुत प्यारा मतलब जाते हैं कहीं तो अच्छा खासा व्यूज़ मिल जाता है अपने को भाई कोशिश तो करना है एक बार अगर थोड़ा मोनेटाइज हो जाए कैश वगैरह आने लगे ना इससे तो फिर घूमने का प्लान करेंगे ना भाई अपने से कितना कर सकते हैं जानते हो कितना खर्चा ये देखो अच्छा खासा चल रहा है किसी किसी पे अच्छा व्यूज़ आ जाता है सब्सक्राइबर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है यार अभी चलते हैं नीचे है ना खाते पीते हैं खाया कुछ नहीं है खाया पिया भी कुछ नहीं है अभी अपलोड हो रहा है चेकिंग हो जाने देते हैं एक बार उसके बाद चलते हैं नीचे है ना चलो यार भाई साहब यार पूरा मस्त मौसम बना हुआ है मेरे को नहाना है बहुत गर्मी लग रहा है ओके और अभी किसी न किसी गाड़ी खुली हुई है वहाँ पे समझ ही नहीं आता क्या हो जाता है यहाँ पे रहते रहते क्या एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या देखो पता नहीं क्या ही सीन चलता है यार यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता शायद कुछ तो हुआ एंड आई एम एंजॉयिंग समथिंग देखता हूँ आई एम एंजॉयिंग सीरियल एक्चुअली आई लाइक इट सीरियसली मैं सीरियल देखना मुझे बड़ा पसंद आता है और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है बट सबसे पहले नहाने का मन कर रहा है देखता हूँ नहाऊँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कुछ काफ़ी अजीब सा मौसम और अभी जाके धूप निकला है तो नहा लेता हूँ कपड़े सूख जाएंगे अदरवाइज फिर वही कपड़ों का टेंशन सूखते नहीं है तो चलो भाई नहाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे सो फाइनली गाइस मैं नहा वहा लिया और सिरू को निकल चुका हूँ बाहर और बाहर निकलते ही सिरू की हरकतें चालू उल्टी सीधी पता नहीं क्या सुनता जाता है ये रोड ऊपर आई डोंट नो यार और ये हालात ये तो डेली देखते हो गए है ना बाहर के हालात धीरे धीरे चेंज हो जाएगा का पता नहीं आज लग रहा रोड पे झाड़ू लगाया भाई अभी लगाया क्या जो इतना साफ सुथरा दिख रहा देखो ज़्यादा कचरा नहीं है सब साइड में है अदरवाइज सब फैला रहता है इधर और ये वहाँ से फैला चल तो भाई ये है कुछ हालात
यार इधर ना अगर गाड़ी वाड़ी इतना ना चले ना कितना शांति रहेगा ना, अच्छा लगेगा। लेकिन इतनी गाड़ियाँ होती हैं ना ये क्या ही बताऊँ मैं। और ये शेरू इसकी तो मैं क्या ही बोलूँ भाई यार। चलो फटाफट निकलते हैं घर की ओर, पहले इसको एक बार घुमा लेते हैं वहाँ से लास्ट से, उसके बाद घुमाते हैं। सो ये गाइस फाइनली आई एम एंजॉयिंग माय ब्रेड, जैम है इसमें भाई साहब। बहुत भूख लगी थी कसम से बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई इतना ज़्यादा भूख लगा था। अरे है बहुत टेस्टी लग रहा है यार। और ये ब्रेड और दूध है उसमें, खाने का मज़ा आ गया। सो यम्मी, मेरे चक्कर आ रहे थे लिटरली, अब जाके थोड़ा भूख शांत हुआ भाई पेट में। हाय हाय। चलो भाई मैं खा के उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? आप भी कुछ खाओ, मेरी तो हालत ख़राब हो गई आप लोग देख ही सकते हो, है कि नहीं? तो खाओ यार, लिटरली खाओ। फाइनली गाइस मैं अमित से आ गया और मिलिट्री हॉस्पिटल में रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, सो दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया रिकॉर्ड। तभी घर पहुँचे हैं और लंबा चौड़ा मम्मी को बिल बना के दे दी, मतलब बिल बोल रहा हूँ यार, क्या बोलते हैं उसको, लंबा चौड़ा मेडिकल रिपोर्ट बना के दे दिया मम्मी को। गैस में है डेंगू का, तो वही पैरासीटामोल दे दिया है। और व्हाट कैन आई डू, एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग बिकॉज डेंगू का कोई इलाज नहीं है, तो ये नॉर्मल फीवर वाले टैबलेट से ही कंट्रोल करना पड़ता है उसको, है ना। 5 to 6 days जो भी रहता है फुल बॉडी पेन एंड ऑल, बट मम्मा को उतना नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो कि डेंगू का कुछ होना चाहिए, बिकॉज डेंगू में तो पूरी हालत ख़राब हो जाती है। बट ठीक है, तो आजकल वॉक करते हैं पेरेंट्स से। जो लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल का नाम है देसी ना ब्लॉगिंग। बाय बाय, सी यू टाटा, गुड नाइट।